हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं उसमें और कुछ वीडियोस ऐड ऑन करूँगा, तो फ्रेंड्स आज कुछ और मैं नया लेकर आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट रेफरल्स एंड जॉब फ्रॉम दी लिंक्डइन। लिंक्डइन से किसी से आपको रेफरल मांगने हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे आप रेफर के लिए किसी से मांग सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये सारा वीडियो रहेगा। और इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में अपन यहाँ पर A to Z सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू गेट रेफरल्स फ्रॉम द लिंक्डइन और जॉब फ्रॉम द लिंक्डइन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको बहुत ज़रूरी बात ये रखनी पड़ती है कि आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लिंक्डइन पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिंक्डइन पर 10 कनेक्शन है, 12 कनेक्शन है और आप सोचो कि आपको रेफरल मिल जाए आसानी से या फिर जॉब मिल जाए आसानी से, तो इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने, जब आपके कनेक्शन बन जाए तो फिर उसके बाद आपको रेफरल्स के लिए मांगना है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्टली, अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो आपको ये भी पता होता है कि किस कंपनी में अभी हायरिंग चल रही है, किस कंपनी में हायरिंग नहीं चल रही है। MNCs जो होती हैं जैसे कि इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निएंट और भी बहुत सारी SCL, परसिस्टेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें हायरिंग बराबर चलती रहती है, तो इनके आपको करियर पेज पर जाना होता है और वहाँ पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। और बेटर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग आस्क फॉर दी रेफरल्स। तो रेफरल्स के लिए आपको कैसे फाइंड करना है किसी के लिए कि कैसे आप पता करें, तो रेफरल्स लेने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिंक्डइन पर जाना है। और जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सपोज आप एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर ढूंढ रहे हैं, सपोज आप एज अ जावा डेवलपर, सपोज आप एज अ वीवा वर्ल्ड डेवलपर, AWS, कुछ भी किसी भी फील्ड में आप जॉब ढूंढ सकते हैं, राइट। तो लिंक्डइन पर आपको जाना है तो पहले नंबर आपको प्रोफाइल के बेस के ऊपर लोगों को सर्च करना है या फिर जॉब को आपको सर्च करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सपोज आपने सर्च किया जावा डेवलपर, तो जावा डेवलपर से रिलेटेड जो भी पीपल होंगे, जो भी कनेक्शंस होंगे वो आ जाएंगे, और जो कनेक्शन आपसे नहीं बने होंगे वो भी लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से आप रैंडम लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि इज़ देयर एनी ओपनिंग फॉर द जावा डेवलपर और नॉट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसा है तो प्लीज़ रेफर मी, राइट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सपोज आप फ्रेशर्स हैं या फिर लेटरल जॉइनर्स हैं, सभी के लिए आइडिया वर्क करता, और मैंने भी लिंक्डइन से ही जॉब अपनी स्विच करी हुई है, अभी लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे वहाँ से रेफरल मिला था, ठीक है। तो अगर आप लेटर ज्वाइनर्स भी हो या फिर कोई भी हो, फ्रेशर्स भी हो, तो आप कंपनी के बेस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता था कि इन्फोसिस में अभी हायरिंग चल रही है वीवा वर्ल्ड डेवलपर के लिए, तो सबसे पहले मैंने इन्फोसिस कंपनी जाके सर्च करी। इन्फोसिस के जब मैं करियर पेज पर पहुंच गया लिंक्डइन के ऊपर, फिर मैं वहाँ पर पोस्ट में गया, सॉरी जॉब आईडी में गया, जॉब सेक्शन में गया, जॉब सेक्शन में मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर ओपनिंग है। देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया, इन्फोसिस सर्च करने के बाद इन्फोसिस से रिलेटेड जो भी पीपल मेरे कनेक्शंस में थे मैंने उनको सभी को मैसेज किया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि आप उसी से रेफरल मांगोगे, हो सकता है वो एज दैट टाइम आप बिजी हो, जब तक वो रिप्लाई करे जब तक हो सकता है कि उस जब में फुलफिलमेंट हो जाए और वैकेंसीज चली हैं, राइट। तो केवल एक बंदे के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, 8 से 10 लोगों को आप मैसेज कर सकते हैं। और प्रोफाइल जिस बंदे को भी मैसेज कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले उसकी भी प्रोफाइल आप देख लें कि वो आपको रेफर कर सकता है कि नहीं कर सकते, उसकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है या नहीं है, वो एक्टिव रहता है लिंक्डइन पर नहीं रहता है, वो आपको केवल इसकी प्रोफाइल देखने से बस समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि जिससे भी आप रेफरल्स के लिए मांग रहे हो तो वो बंदा या फिर जो भी है पर्सन है वो आपसे बोलेगा कि ओके लेट मी नो द जॉब आईडी डायरेक्टली एंड आई विल रेफर यू। तो जॉब आईडी पता करने के लिए कई बार आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी की जो करियर साइट है, करियर साइट पर आपको जाना पड़ता है कंपनी की पर्टिकुलर, जिस भी आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आप जॉब आईडी निकाल सकते हैं। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि ये जॉब रहेगा, ये रोल रहेगा आपका, तो आपको अगर जो सुइटेबल लगे, एक्सपीरियंस वगैरह जो उसमें लिखा रहता है वो आपके अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे जॉब आईडी भी दी रहती है। जॉब आईडी को आपको कॉपी करना है और पर्टिकुलर बंदे से जिससे आप रेफरेंस के लिए मांग रहे हैं आपको वो जॉब आईडी उसको बतानी है, वो आपको रेफर कर देगा। और अगर आपको दिख रहा है कि आप करियर पेज पर हो और वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई ना करके किसी थर्ड पर्सन से रेफर के लिए पूछें, क्योंकि अगर कोई आपको रेफर कर रहा है तो कंपनी ऑब्वियसली है कि आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, तो उसके बेसिस पर भी हायरिंग होती है, मतलब प्रोसेसिंग होती है। तो अगर जिस किसी ने मुझे रेफर किया और किसी ने डायरेक्ट अप्लाई किया, तो सबसे पहले मतलब कंपनी मेरे पास आएगी, क्योंकि मैं रिकमेंडेड बंदा हूँ, किसी और पर्टिकुलर जो बंदा काम कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी में उसने मुझे रेफर किया है, राइट। तो वो कंपनी सोचेगी कि मैं अच्छा बंदा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग फ्रॉम द करियर पेज
आस्क फॉर दी रेफरल्स राइट। और थर्ड बात ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कनेक्शंस बनाने के बाद आपको डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए रेफरल्स के लिए किसी के लिए। तो सपोज आप जैसे ABC कंपनी में किसी से रेफरल्स के लिए मांग रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी करोगे आपके हाई पहले नंबर पे आपने हाई मैसेज किया, अगर वो 2 दिन बाद ऑनलाइन आता है फिर हाई का रिप्लाई देता है हेलो हाउ आर यू, तो ऐसे कर करके आप कॉन्वर्सेशन अगर आप करेंगे तो 1 महीना लग जाएगा राइट। तो इतने में तो वैकेंसी चली जाएंगी, जॉब फिल हो जाएंगी, तो आपकी वो जॉब तो गई। तो ये भी नहीं करना है आपको कि बहुत स्लो 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 आप टॉक कर रहे हो, एक दिन हाई भेजा, अगले दिन हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलता है ठीक है। इतनी स्लो प्रोसेस नहीं होती है लिंक्डइन के ऊपर। और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि आपको एक लॉन्ग स्टोरी बना के रखनी चाहिए अपनी पूरा बैकग्राउंड में, और वो कहीं पे नोटपैड वगैरह में बना के रखिए, और जैसे ही आप किसी से रेफरेंस के लिए पूछने जा रहे हो आप अपने वो पेस्ट कर दिए। एक ऐसे टाइप का नहीं लिखना है आपको, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे टाइप का लिख देते हैं, एक बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाता है और सामने वाला जो बंदा है वो उसको अवॉइड करेगा कि यार मैं पढ़ूँ नहीं, क्योंकि यार वो तुम्हारा यार एक पेज का ऐसे पड़ेगा इंस्टीड ऑफ कि वो 10 लोगों के छोटे छोटे मैसेज पढ़े और उनको ज़्यादा ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाए राइट। तो ऐसा ऐसे भी नहीं लिखना है कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैंने एल्गोरिथम पढ़ा है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल आपकी ऑलरेडी बनी होनी चाहिए राइट, तो वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, आपको एल्गोरिथम आता है, आपको DBMS आता है, आपको OS आता है, आपको ये Salesforce आता है, कुछ भी ये सब बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट आपका वहाँ पर मैटर होना चाहिए, जो भी आप बंदे से रेफरल मांगने जा रहे हो तो 3 to 4 lines मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 3 to 4 lines में आपका मेन एजेंडा क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है। सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हैं हाय हेलो ठीक है, कुछ भी है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हैं होप यू आर डूइंग गुड, और आई केम टू नो दैट देयर इज एन ओपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, कुड यू प्लीज रेफर मी। बस ये 2 लाइन में आप थोड़ी अपनी बात मेन एजेंडा यहाँ हुआ आपका क्लियर हो गया, आपने उस बंदे से पूछ भी लिया कि आप कैसे हो ऐसा वैसा ठीक है। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतनी लॉन्ग ज़्यादा स्टोरी लिखने की ज़रूरत है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लोगों से कैसे बात करें, लिंक्डइन पे कैसे रेफरेंस के लिए पूछें। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग रह गया इस वीडियो में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।